लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसका फोर्थ पॉइंट हमने खत्म कर दिया था। अब हम इसका करते हैं फिफ्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर की एंट्री पढ़ो। फिफ्थ नंबर की क्या कह रहा है कि 80,000 रुपये मूल्य का माल 35,000 रुपये उधार में खरीदा, ठीक है। 80,000 रुपये मूल्य का माल और उस खरीदा कितने रुपये में उसने, 35,000 रुपये में। देखो हमारी फैक्ट पहले चेक कर लो कि माल खरीद रहे हैं, मतलब क्या होगा, माल किससे रिलेशन रखता है, स्टॉक से रिलेशन रखता है। अब इसमें रहतैया और स्टॉक एक ही चीज़ होती है, ठीक है, दोनों का इसका अलग नाम रहतैया ले लो चाहे स्टॉक ले लो, एक ही बात है। अब देखो माल खरीद रहे हैं तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक माल खरीद रहे हैं तो बढ़ेगा और माल अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा, कम हो जाएगा। या फिर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, देखो कंडीशन इसमें क्या कह रखी है कि इसने, देखो पहले कंडीशन पढ़ लो, ये कह रहा है कि 80,000 रुपये का माल है, ठीक है, 80,000 रुपये का माल है और उसमें इसने कह दिया कि 35,000 रुपये क्या कर रहे हैं, उधार में ले रहे हैं। तो टोटल माल इसके माल कितने रुपए में, मतलब 45,000 रुपये किस में ले रहे हैं, वो कैश में ये ले रहे हैं उधार में, और टोटल माल कितना आ रहा है हमारे पास, 80,000 का माल टोटल कितना है, 80,000 का। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, कितने रुपए का, 80 का। 35,000 रुपये उधार है, मतलब हमारी क्या हो गई, इसके अंदर उधार हो गई तो हमारी क्या हो गई, देते या मतलब लाइबिलिटीज़ क्या हो गई हमारी, बढ़ गई, तो 35,000 रुपये हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। और पूंजी पर इफेक्ट कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि पूंजी पर दो ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, या तो आरहन का पड़ता है जो पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, या फिर कोई प्रॉफिट होता है। और 45,000 रुपये कैश से क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि माल खरीदा तो कैश से क्या हो जाएगी, कम। अब इसको हम करके चेक करते हैं, देखो फिफ्थ नंबर है, इसको हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का इसने कह दिया कि 80,000 रुपये का माल इसने खरीदा, ठीक है। अब देखो पहले हम लिखते हैं नगद, हमने कर दिया नगद, नगद में कितने रुपए हैं पहले थे, एक पीछे सी, तो पहले हैं वो लिख दो एक बार, अमाउंट प्लस स्टॉक, इधर मैंने बताया था इधर होती है परिसंपत्ति, ये परिसंपत्ति के क्या है टुकड़े हैं, जो मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज करवाई थी थ्योरी में वही चीजें, प्लस प्लांट व मशीन, ठीक है, प्लस बैंक, प्लस फर्नीचर। कोई नई चीज़ आ रही है क्या इसके अंदर, नई चीज़ का कहीं पर भी विवरण नहीं किया, क्योंकि स्टॉक पहले से दिया हुआ है, देता है हमारे है, और कैश भी पहले से दिया हुआ है, तो हमारे कोई भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है, बराबर है, यहाँ पे हो जाएंगे देता है, प्लस पूंजी, ठीक है। नगद हमारे पास पहले एक पीछे सी का था, स्टॉक कितने का था, 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 3 लाख की, बैंक अकाउंट कितने में था, 5 लाख, फर्नीचर कितने का था, 1 लाख, बराबर। देयता कितने थे, 285 के, प्लस पूंजी कितने की थी, 8,50,000, ठीक है। अब हम इफेक्ट की बात करते हैं, माल खरीदा कितने का, 80 का, मतलब स्टॉक में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया कितने रुपए का, 80,000 का, ठीक है। 35,000 का माल क्या खरीदा था हमने, उधार में खरीदा था, तो उधार खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो दायित्व हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देयता कितने से बढ़ जाएंगे, 35,000 रुपये से बढ़ जाएंगे, प्लस 35, और इसमें से जितने 80 में से 35 उसने उधार रखे हैं, तो दिए कितने उसने, 45,000 रुपये उधार में, 45,000 नगद में दे दिए, तो नगद बैलेंस क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर इसने क्या किया है, एक मिनट रुकना, इसमें इसने क्या कहा है, हमने एक मिस्टेक कर दी इसके अंदर, इसने इसने क्या कहा है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, कि 80,000 रुपये का माल क्या खरीद रहा है, एक केस के रूप में खरीद रहा है, और 35,000 का माल क्या खरीद रहा है इसने, उधार में खरीदा है, ठीक है, मतलब हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। और टोटल माल कितने में खरीदा इसने, 1,50,000
15,000 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नगद कितने रुपए से गया, 80,000 रुपये नगद के गए। ये इसने क्या गया, 80 का नगद में खरीदा, 35 का उधार में खरीदा, टोटल माल कितने का खरीदा, 1,15 का। तो टोटल स्टॉक यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा, 1,15, ठीक है। और यहाँ पे देता है तो 35 के 35 ही रहेंगे। तो देखो ये 80,000 गए तो यहाँ पे बच गए कितने हमारे पास, 1,05,000 प्लस यहाँ पे हमारे कितने आ जाएंगे, पहले थे 50 और 1,15 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1,65। और बाकी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सेम टू सेम रह जाएगी, ठीक है। बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर देयता पे इफेक्ट पड़ा। तो 285 प्लस 35 कितने हो गए हमारे पास, 3,20,000। और 850 के इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये हो जाएगा। अब इन सबको क्या कर दो आप लोग, जोड़ दो। तो 1,05,000, 1,65, 3,05,000, 5,00,000 और 1,00,000। तो देखो एक पहले यहाँ से कर लो, 1 और 6, 6 3 कितने हो गए, 6 3 9, 9 और 1 कितने हो गए, 10, 10 और 1 कितने हो गए, 11, 11 और 35, 65 कितने हो गए, 11,65,000 प्लस 5,000 कितने हो गए हमारे पास, 11,70,000। और यहाँ पे भी देख लो, इधर भी काउंटिंग कर लो, 3,20,000 प्लस 8,50,000 कितने होते हैं, 11,70,000 इक्वल चल रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, परिसंपत्ति प्लस देयता व पूंजी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। अब हम इसका करते हैं 6th पॉइंट, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं हम, 6th नंबर पॉइंट को उठाते हैं। सिक्स नंबर लेते हैं इसका। तो देखो 6th नंबर में पहले है वो चीज़ें एग्जिट लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पे इधर ऊपर परिसंपत्तियाँ लगानी जरूरी है, संपत्ति, परिसंपत्ति पहले है वो चीज़ें लिख दो। जैसे मान लो हमने नगद लिख दिया प्लस स्टॉक प्लस प्लांट व मशीन प्लस बैंक प्लस फर्नीचर, ठीक है। अब एक बार इसको यहाँ पे छोड़ दो, देखो कोई नई चीज़ तो नहीं आ रही है ना क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि 45,00,000 रुपये का माल, 45,00,000 रुपये का माल 60,000 रुपये में बेचा, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन देख लो, पहले माल कितने रुपये का था, 45 का ये था माल, एक्चुअल में कॉस्ट लागत, लागत कितनी थी उसकी, 45,000 रुपये। और इसने बेचा कितने रुपए में, 60,000 रुपये, मतलब इसने विक्रय किया, विक्रय कितने रुपए में किया इसने, 60,000 रुपये में। तो आप लोगों को पता है कि 45,000 का माल है, ठीक है, 60 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ कमाया उसने, 15,000 रुपये का। अब माल को देखो उधार में तो नहीं कर रहे हैं, देख लो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर लिख रखा है कि उधार में बेचा है, इसने क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा नगद में बेचा है। तो सीधी सी बात है कि टोटल इसने नगद में कितने में बेचा, 60,000 रुपये। तो नगद में कितने आएंगे हमारे पास, 60,000 रुपये। अब स्टॉक, अब मैंने बताया था कि परचेज इसने क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है, मतलब विक्रय कर रहा है, विक्रय कर रहा है तो स्टॉक में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, मतलब स्टॉक क्या हो जाएगा, विक्रय करने पर कम हो जाएगा, तो ये स्टॉक में से कम हो जाएगा, ठीक है। और 15,000 रुपये के क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसके अंदर नई चीज़ कोई आ रही है क्या, कोई भी नई चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास स्टॉक पहले से दिया हुआ है, विक्रय का मतलब सेल्स है, केस के अंदर दी हुई है तो केस का नाम लेना है, और उधार के अंदर दे दी तो हमारे पास पार्टी नेम हो जाता, ठीक है। और 15,000 रुपये प्रॉफिट जो किसमें ऐड होता है, पूंजी में, बराबर में लगा के लिख दो यहाँ पे, देता है प्लस पूंजी, ठीक है। अब नगद के कितने थे, 1,05,000 प्लस स्टॉक के कितने थे, ये मेरा फाइनल बैलेंस कितना था, 1,65 प्लस प्लांट के कितने थे, 3,00,000 कोई प्लस बैंक के कितने थे इसके अंदर, 5,00,000 रुपये प्लस फर्नीचर कितने का था, 1,00,000 रुपये का प्लस देयता कितने थे, 3,20,000 के प्लस पूंजी कितनी थी, 8,50 के।
850 की पूंजी है, ठीक है। अब देखो इफेक्ट देखो, ठीक है, माल हमारे पास कितने का जा रहा है, 45 का, ठीक है। तो 45 का जा रहा है मतलब स्टॉक से क्या हो जाएंगे, ये 45,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। माल जा रहा है 45,000 रुपये का, ये 45 कम हो गए, ठीक है। और हमारे पास कैश के रूप में कितने रुपये आ रहे हैं, टोटल जितने का माल बेचेगा, टोटल माल कितने का बेचा, 60,000 का। तो कैश पे इफेक्ट कितने रुपये का पड़ेगा, 60,000 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोष्टक में देते हैं ये इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, 45 का बेच माल था और 60 में बेचा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, 15,000 रुपये का। तो पूंजी में 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और किसी चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम इसको टोटल कर देंगे। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 1,65, कैश बढ़ गया 60,000 रुपये से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45,000 रुपये का माल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 1,20,000, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं जैसे जैसे एग्जिट की एग्जिट होगी बराबर में, यहाँ पे 3,20 की 3,20 ही रहेंगे, और यहाँ पे कितने हो गए, 1,85 + 15 = 8,50, और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8,00,000 है। पूंजी कितनी बढ़ गई, 65। मैंने बताया था कि लाभ का प्रॉफिट का हिस्सा क्या बढ़ता है, प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। तो कैपिटल कितनी हो गई हमारे पास, 8,65,000, 15,000 रुपये हमारे प्रॉफिट में ऐड हो गए। तो टोटल कैपिटल 8,65 की हो गई, और इधर नगद में 60,000 रुपये नगद आ रहे हैं, और 45,000 रुपये का माल गया, और बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब इनको क्या करेंगे, टोटल वापस यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 11 हो गए, 11 और 65 कितने हो गए हमारे पास, 11,65,000, 11,65 और 20 कितने हो गए हमारे पास, 11,95,000, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास परिसंपत्तियाँ। इधर देयताएं को भी जोड़ लो, देयताएं कितने हैं, 3,20,08,65,000, तो टोटल मिला के कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए, ठीक है। 65 और 20 95 और 8,3 11,95,000, ठीक है। ये परिसंपत्तियाँ और देयताएं पूंजी बराबर हो गई, क्वेश्चन सही है, ठीक है। देखा करने की क्वेश्चन के अंदर इन्हीं चीज़ों को क्या करना पड़ता है, हमें इक्वल करना पड़ता है। अब इसका 7 नंबर पॉइंट उठाते हैं हम इसका, ठीक है। 7 नंबर के पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या रहा है कि 80,000 रुपये की वस्तुओं को 1,25,000 रुपये उधार में विक्रय किया, ठीक है। अब देखो उधार में विक्रय किया ना, अब देखो क्वेश्चन के अंदर पहले देख लो, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, माल कितने का था, 80,000 रुपये का माल था हमारे पास, 80,000 रुपये का, ठीक है। और बेचा कितने में इसने, 1,25 में क्या किया इसने, विक्रय किया। लागत कितनी थी माल की, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 45,000 का क्या हो गया हमारे पास, लाभ हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास इफेक्ट की बात करते हैं। लागत है, बेचा है, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टॉक पे, क्योंकि स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1,25 का विक्रय, विक्रय का मतलब हो गया माल बेचा गया उधार में, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, डेप्टर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, देनदार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और 45,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉफिट हो जाएगा, जो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एग्जिट, जो चीज़ दे रखी है वो लिख लो। सेवन नंबर, ठीक है। पहले लिख लो नगद प्लस स्टॉक प्लस प्लांट में मशीन, ये 7 नंबर का है और ये हमारे पास 6 नंबर का, ठीक है। प्लांट एवं मशीनरी प्लस बैंक प्लस फर्नीचर प्लस अब देनदार नया हो गया, डेप्टर्स बढ़ गए, कि जब भी माल उधार में खरीदते हैं तो हमारे क्या होते हैं, डेप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, देनदार, जो हमें पैसे देगा,
बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, यू आई वापिस वही देता है प्लस पूंजी। ठीक है, अब देखो नगद पहले कितना था, 1.65, 1.65 का 65 लिख दो, प्लस स्टॉक कितने का था पहले, 1.20 का लास्ट में, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 3 का, तो 3 का 3 लिख दो, प्लस बैंक कितने में थे, 5 के, तो 5 लाख रुपए में बैंक लिख दो, प्लस फर्नीचर 1 लाख का था, 1 लाख लिख दो। अब बात करेंगे देनदार की, देयता कितने थे पहले, 1,320,000 के, प्लस पूंजी कितनी थी हमारे पास, 8,65,000। इफेक्ट देखो, पहले हमने माल बेचा तो सीधा सफेद इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इफेक्ट पे, स्टॉक पे, स्टॉक कितने का, जो लागत होती है उसी से हम क्या करते हैं, स्टॉक को लेस करेंगे, कितने रुपए की लागत है, 80,000 रुपए की, स्टॉक कम हो गया, कोष्टक में लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, विक्रय, विक्रय कितना का किया हमने, 1.25 का, मतलब क्या हो गया, उधार हो गया, तो यहाँ पे कितने ऑर्डर जाएंगे हमारे पास, 1,25,000 रुपये के देनदार हमारे क्या हो गए, अभी तक मांग रहे हैं, इसके अंदर लाभ के साथ जोड़ के रहेंगे, और लाभ हो गए हमारे पास 45,000 का, तो पूंजी में इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 45,000 रुपये पूंजी में प्रॉफिट इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नगद पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है जैसा जैसा रहेगा, स्टॉक पे इफेक्ट पड़ गया, पहले 1.20 का था जिसमें से 80 का बेच दिया, तो हमारे पास अब स्टॉक कितने का बच गया, 40 का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसके भी और इसके, और ये नई चीज़ आ गई हमारे पास, 1,25,000 के देनदार, जो उधार में माल खरीदते हैं तो देनदार हमारे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, देता है हमारे 3.20 के, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, वो पूंजी 8.65 थी और 45,000 का प्रॉफिट और हो गया, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब 65 इसके अंदर किया तो हमारे पास आ गए 9,10,000। ठीक है, और इधर हम ऐड करेंगे तो देखो 6 तो ये हो गए, 6 और 1 7, ठीक है, 7 और सॉरी 1 2 और 5 7, 7 3 कितने हो गए, 10, 10 रे कितने हो गए, 11। ठीक है, 11 और 65 कितने हो गए, 11 65 और 25 कितने हो गए हमारे पास, 11 65 और 25 हो गए हमारे पास, 11 90 और 40 कितने हो गए हमारे पास, 11 90 और 40 हो गए हमारे पास, 12,30,000 ये हो गए टोटल इनका, 12,30,000। इधर भी इधर देख लेते हैं, 9 10 और 3 20 हो गए हमारे पास, 12,30,000 ये हो गया, ये हमारे देयताएं हो गए, सॉरी परिसंपत्तियां, तो परिसंपत्तियां किसके, देयताएं व पूंजी की क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 8th नंबर। ठीक है, ऐड करने से पहले स्टार्ट करते हैं, 7 तक कर लिया, 8th नंबर स्टार्ट करते हैं। 8th नंबर में क्या कह रखा है इसने, कि वस्तु एवं माल के पूर्तिकारों को भुगतान के लिए 35,000 रुपये का चेक जारी किया। ठीक है, तो वस्तु और भुगतान के मतलब लेनदारी क्या हो गए हमारे पास, 35,000 से रुपये से क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, हमारे जो हमसे जो 35,000 रुपये मांग रहे थे वो क्या कर दिए, हमने चुका दिए चेक द्वारा। तो पहले है वो चीज़ें क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, 7 नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम करेंगे अब 8th नंबर। 8th नंबर के अंदर में हमने लिख दिया नगद प्लस स्टॉक प्लस प्लांट व मशीन प्लस बैंक प्लस फर्नीचर प्लस देनदार बराबर में हो जाएगा देयताए और प्लस हो जाएगी पूंजी। ठीक है, अब इक्वल देखो, पहले कैश कितने का था, 1.65 का था, 1.65 का 65 लिख दो। ठीक है, स्टॉक पहले कितना था, 40 था लास्ट में, तो 40 का 40 लिख दो, प्लांट 3 का था तो 3 के 3 लिख दो, प्लस बैंक पहले कितना था, 5 था, 5 का 5 लिख दो,
प्लस फर्नीचर कितने का था, 1 लाख, तो 1 का 1 लिख दो, ठीक है। तो प्लस देनदार कितने के थे, 1 25 के, तो 1 25 के 25 लिख दो। देता ही थे 3,20,000 के, है वो लिख दो। प्लस पूंजी कितनी थी हमारे पास लास्ट में, 9,10,000 की थी पूंजी, तो 9,10,000 लिख दो। अब देखो इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रखा है इसने कि इसने 35,000 रुपये के देयता को क्या कर दिया, इसने भुगतान कर दिया, ठीक है। अब भुगतान कर दिया, अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो भुगतान किससे कर रहा है, बैंक से कर रहा है, तो बैंक में क्या हो जाएंगे 35,000 रुपये, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 35,000 रुपये, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इधर तो कम हो गया, और जब हम किसी को भुगतान कर रहे हैं मतलब हमारी क्या हो रही है, देयता, मतलब लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। जो पहले हमसे पैसे मांग रहे थे अब हम नहीं मांग रहे क्योंकि हमने उसको पेमेंट दे दिया। तो यहाँ पे कितने हज़ार रुपये के कम हो जाएंगे, 3,35,000 रुपये सॉरी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नहीं तो कैश पे पड़ रहा है, स्टॉक पे भी कोई नहीं पड़ा, प्लांट पे नहीं पड़ा। बैंक से रुपये कितने दिए, 35,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 4,65,000 रुपये, ठीक है, कम हो जाएंगे। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देनदारी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब देयता पहले कितने थे, पहले हमसे मांग कितने थे बिजनेस से, 3,20,000 के मांग रहे थे, जिसमें से 35,000 का हमने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। तो भुगतान कर दिया तो अब हमारे पास कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 2,85,000, ठीक है, और 9,10,000 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इनके क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, इनके टोटल करोगे तो आएगी 11,95,000, ठीक है। और इधर भी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 11,95,000, ठीक है। ये हमारी परिसंपत्तियाँ और देयता क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अगला करते हैं हम स्टार्ट, अगला 9th नंबर एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9th नंबर में देखो क्या कह रखा है कि ग्राहक से 75,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, मतलब ग्राहक का मतलब हो गया देनदार, देनदार से हमें कितने रुपये प्राप्त हुए, 75,000 रुपये चेक से प्राप्त हुए, मतलब क्या हो गया, हमारे बैंक से रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। पहले है वो चीज़ लिख लो, नगद लिख दो, नगद प्लस स्टॉक प्लस प्लांट वे मशीन प्लस बैंक, ठीक है, प्लस फर्नीचर प्लस देनदार, बराबर में हो जाएगी हमारे पास देयता है और पूंजी, ठीक है। ये हो गई परिसंपत्ति, इधर हो गया वो मीटर, ठीक है। नगद पहले कितने था, 1,65 पहले थे, स्टॉक पहले कितने का था, 40, फिर प्लांट व मशीनरी कितने का था, 3,00,000 प्लस बैंक कितने रुपए का था, 4,65 प्लस फर्नीचर कितने रुपए का था, 1,00,000 प्लस देनदार कितने के थे, 1,25 प्लस देयता कितने के थे, 2,85 प्लस पूंजी कितने की थी हमारे पास, 9,10,000, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो नगद के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, चेक द्वारा भुगतान कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया, चेक दो सॉरी चेक हमें क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट हुआ मतलब क्या होगा, बैंक बैलेंस हमारा कितना हो गया, 75,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। और देयता है मतलब देन, चेक कौन देगा, देनदार ही देंगे, तो देनदार हमारे 75,000 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी पर कोई क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो 1,65 के 65, 40, 3,00,000 के 3,00,000, अब हमारे क्या हो गए, 4,65 से 75 गए, तो हमारे पास बच गए कितने, अब बैंक में बैलेंस सॉरी 4,65 थे और 75,000 क्या कर दिए हमने, ऐड कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, 5,40,000 का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। इधर हमारे क्या हो जाएंगे, देनदार एक पहले एक हम लोगों से 1,25 मांग रहे थे, जिसमें से 75,000 का हमें भुगतान हो गया, तो अब हमारे पास बचेंगे कितने पैसे, अब हमारे पास पैसे बच गए सॉरी
50,000 रुपये हमारे पास बच गए, इधर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 11,95,000, ठीक है। और इधर भी आ जाएगा हमारे पास 11,95,000, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, टेंथ नंबर के अंदर क्या कह रहा है इसने। टेंथ नंबर के इसने कहा है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 25,000 रुपये निकाले। व्यक्तिगत प्रयोग का मैंने बता दिया ड्राइंग होता है, ठीक है। ड्राइंग का इफेक्ट किस पे पड़ता है, खाली पूंजी पे पड़ता है, ठीक है। अब ये ड्राइंग के रूप में निकाल क्या रहा है, राशि निकाल रहा है, मतलब कैश निकाल रहे हैं हमारे से। तो देखो कैश कितने रुपये निकाल रहे हैं, 25,000 रुपये। तो टेंथ नंबर हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे। देखो कैश हमारे पास कितने था, नगद लिख दो, नगद प्लस स्टॉक प्लस प्लांट व मशीन प्लस बैंक प्लस फर्नीचर प्लस देनदार बराबर देता है प्लस पूंजी, ठीक है। अब हमारे पास देखो नगद का पहले पहले कितना था, 1,65,65। स्टॉक कितने का था, 40 का 40 प्लस प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 3,00,000 के, 3,00,000 का 3,00,000 प्लस बैंक कितने का था, 75,000 और आ गए थे तो 5,40,000 की बैंक थी हमारे पास, ठीक है। प्लस फर्नीचर कितने का था, 1,00,000 रुपए का। देनदार हमारे कम हो गए थे लास्ट में, कितने बचे थे, 50,000 बराबर। देयता कितने के थे, 2,85,000 के। और प्लस पूंजी कितने की थी हमारे पास, 9,10,000 की, ठीक है। अब इसके अंदर इसने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले। निकाले मतलब क्या हो जाएगी, ड्राइंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी, ठीक है। और किससे निकाले, नगद से निकाले, तो ड्राइंग यहाँ पे नगद पैसे भी क्या हो जाएंगे, नगद में पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मिला के बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,40,000। और इधर और बाकी चीज़ों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और इधर कितने हो जाएंगे, पूंजी में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8,85,000। अब इन सब की टोटल कर लोगे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट।